आसान अपने का अध्ययन की कहलाती अपने का परिभाषा के अपने के अपने कम अपने
हेलो, अब आवाज आई या नहीं आई? कंप्यूटर जीएसएस सिद्धांत आपका अंत, ये आपकी हेडिंग है। देखिए जीएसएस सिद्धांत आपका अंत, ये एक आपके वैज्ञानिक थे, आपके ये जन दिया था, इन्होंने किसी भी कार्बनिक यौगिक को ये है, ये सभी कार्बनिक यौगिक है, ऐसे किसी भी कार्बनिक यौगिक को आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, ठीक ना।
जो सन था 1815 में बर्जीलियस ने जीरो शक्त सिद्धांत दिया था, उसने बताया कि किसी भी कार्बन यौगिक को प्रयोग सा ये कार्बन जो जीव होते हैं, जानवर जो होते हैं, उन जानवरों के मल मूत्र से हमें ये प्राप्त होती है, ठीक है ना। यानी कि हमारे जो है, जो हमारे यूरिन है, यानी कि जो हमारा मूत्र है, उस मूत्र से जो है ये हमें यूरिन मतलब जब हमें कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाना है तो हमारे लिए जीवों का होना जरूरी है। ऐसा बर्जीलियस का अपने जीवशक्ति सिद्धांत में कहना था कि किसी भी को लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ समय के बाद बर्जीलियस के एक शिष्य थे जिसका नाम था वोलर। वोलर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक अकार्बनिक यौगिक लिया, उस अकार्बनिक दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने कार्बनिक यौगिक बनाया तो इससे सिद्ध हो गया कि हम कार्बनिक यौगिकों को भी लैब में बना सकते हैं। इनकी जीवशक्ति सिद्धांत का कहना था, बर्जीलियस का कहना था, हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को लैब में प्रयोगशाला में नहीं बना। लेकिन इनके चेले कौन से, वोलर, क्या नाम था उनका, वोलर। वोलर ने क्या किया, एक दिया, वो भी कहां बनाया, प्रयोगशाला में। वहां पर जरूरी नहीं था कि कोई जीवशक्ति हो, तो इसीलिए जो है इन बर्जीलियस की जो इन्होंने जीवशक्ति सिद्धांत दिया था, उस बात का, उस सिद्धांत का अंत हो गया। और किसने किया था, सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया था जो बनाया था, और क्या बनाया था, यूरिया बनाया था, ठीक है ना। सबसे पहला प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक यूरिया था आपका। किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था। जब वोलर ने प्रयोगशाला में यूरिया को सर्वप्रथम बनाया तो इससे स्पष्ट हो गया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको लैब में बनाया जा सकता है। तो जब ये बात सिद्ध हो गए तो इनके इनके बर्जीलियस का जीवशक्ति सिद्धांत गलत हो गया। इसी को कहा जाता है जीवशक्ति सिद्धांत। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति का होना आवश्यक है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी को लिखिए आप। सुन लीजिए ध्यान से, फिर अच्छे से समझ लीजिए, फिर लिखिए इसको। क्या है हमारे पास, सन 1815 में बर्जीलियस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया ठीक है ना। इनके अनुसार कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। कार्बनिक यौगिकों कार्बनिक योगी और
जीवधारियों के द्वारा, जीवधारियों के द्वारा ही संभव है, संभव है, जीवधारियों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि क्योंकि कार्बनिक, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए जैव शक्ति का होना आवश्यक है, आवश्यक है। होना आवश्यक है। जीव शक्ति का होना आवश्यक है। नोट हो गया? चलिए आगे लिखिए, इसके बाद में आगे इसी में लिखना है बेटा, भी इसी में लिखना है आपको, इसी में लिखना है आपको। सन 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में बर्जीलियस, बर्जीलियस के शिष्य वोलर ने, बर्जीलियस के शिष्य वोलर ने, बर्जीलियस के शिष्य वोलर ने ने प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक से, यौगिक से कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया, कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया, कर दिया, जिससे सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया कि, जिससे सिद्ध हो गया कि कार्बनिक यौगिकों को, यौगिकों को, जिससे सिद्ध हो गया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, अमोनिया लिया और उन्होंने
HOCN साइनिक अम्ल बोला जाता है, इनको लेकर गर्म कर रहे थे तो इनको मिला NH4CNO अमोनियम साइनेट। अभी लिख दूंगा, उस अमोनियम साइनेट को उन्होंने जब गर्म किया तो उनको NH2CONH2 प्राप्त हुआ जिसका नाम है यूरिया, और ये एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यूरिया एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। तो उन्होंने इसका नाम क्या नाम बोला, अमोनियम अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा, यहां से आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जे सर सिद्धांत का अंत किसने किया, तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा वोलर, तो वोलर लिखना है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा अकार्बनिक यौगिक था जिससे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, कौन था, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया, प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन बनाया गया, कौन बनाया गया, यूरिया बनाया गया। तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से पूछे जाते हैं, पहला कार्बनिक रसायन में कौन सा पहला यौगिक प्रयोगशाला में बनाया गया, यूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया, नाम क्या है, यूरिया। किससे बनाया गया, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से किसने बनाया, वोलर ने। जो वोलर क्या थे, बर्जीलियस के शिष्य थे। अब सोच लो, गुरु का ही नियम खंडित कर दिया उन्होंने सिद्धांत, किसने, वोलर ने, चेले थे, इसीलिए कहते हैं गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर बनी गए। ठीक है ना, इसीलिए जो है गुरु जी कहते हैं जरा होशियार मत बनाओ अपने चेले को कि आपका ही नियम खंडित कर दे। हो गया पूरा, नोट कर लीजिए इसको। ओके बेटा, नोट हो गया, ओके। अगली बड़ा हेडिंग है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हेडिंग है हाइड्रोकार्बन। हेडिंग चलिए देखिए, हाइड्रोकार्बन वर्ड देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हाइड्रो और लिखा है कार्बन। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैंने क्या बोला है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परमाणु देख लीजिए, हाइड्रोजन
एवं कार्बन हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण CH4 C2H6। देखो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन है हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ है, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं बेटा। C2H4 C2H2 आदि बहुत से होते हैं। आगे आप जब आईपीसी पढ़ेंगे तो देखेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब वो है हाइड्रोजन और कार्बन से केवल बने हुए, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। गया नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। चलिए देखते हैं इसे क्लासिफिकेशन को, हम लोग देखते हैं पहले चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट के बाद में फिर हेडिंग डाल के हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बेटा तीन भागों में बांटा गया है, पहले मैं कर देता हूं इसके दो भाग तो आपको सही रहेगा। देखिए पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में एक ही है एल्केन, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, देख लीजिए एल्केन। और असंतृप्त में बेटा आपके दो हैं, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। एल्कीन और एक है आपका एल्काइन, नोट कर लीजिए, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए।
ओके नोट हो गया बेटा। आगे देखिए, नोट होने के बाद में आगे आनी पड़ेगी बेटा आपकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डालिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात समझना आप मेरी बात को इसमें, ठीक है। क्या है, बस आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ये है कार्बन, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लगा है कौन सा है, क्या नाम दिखाया था मैंने इसका, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उनको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बस यही परिभाषा है। वे हाइड्रोकार्बनिक, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हो गई परिभाषा, वे हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य मध्य एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्केन श्रेणी के यौगिक भी कहते हैं। उदाहरण एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी नोट हो गया, एल्केन श्रेणी ठीक है। तो एल्केन श्रेणी में जितने भी आपके यौगिक बनेंगे वो सारे के सारे यौगिक आपके क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और इसकी चर्चा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहां तक डाल लीजिए और इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी, ये आपकी हेडिंग है। एल्केन सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज, श्रेणी को सीरीज बोलते हैं, एल्केन श्रेणी ठीक है ना। ये आप हेडिंग डाल लीजिए
इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।